गोपी जनवालवा गिरिवरदारी यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जय जय प्रभुपाद 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 नीतय गौर हरिबोल 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 नीतय गौर हरिबोल 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 थाय गौर प्रेमानंद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विविटी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तुंद की नमाचार्य श्रीदास ठाकुर की कलियुग पावन चैतन्य महाप्रभु की गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ताय गौर प्रेमानंदी आवाज बढ़ा सकते हैं अंदर कुछ आवाज है हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण। तो आज हमारा परम सौभाग्य है फिर से आप सभी भक्तों का सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम बहुत आभारी हैं मैनेजमेंट के जिन्होंने हमें फिर से एक बार आप लोगों की सेवा में लगने का अवसर प्राप्त कर दिया। तो आज हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 106 और 107 पर चर्चा करेंगे। श्रवणादि क्रिया तार स्वरूप लक्ष्य तटस्थ लक्षणे उपजाए प्रेम धन श्रवणादि क्रिया तार स्वरूप लक्ष्य तटस्थ लक्षणे उपजाए प्रेम धन नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूना श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूना श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक भुना श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदा।
सोनादि क्रियातार स्वरूप लक्षण सिद्ध प्रेम साधक गुना चित कर माता जिस पुनादि क्रिया तार स्वरूप लक्षण इसका अनुवाद इस प्रकार है, श्लोक क्रमांक 106 अनुवाद, श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षणे उपजाए प्रेमधन। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि आध्यात्मिक कार्यकलाप भक्ति के स्वाभाविक लक्षण है। इसका तटस्थ लक्षण यह है कि इससे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है। श्लोक क्रमांक 107, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। अनुवाद, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य स्थापित रहता है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्तोत्र के से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तब यह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो उठता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही सुंदर शिक्षा है सनातन गोस्वामी जी को। आवाज बढ़ा सकते थोड़ी, आवाज नहीं आ रही पीछे। हरे कृष्ण, हरे बोल, आ रही आवाज, हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे बोल, ठीक है, हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर शिक्षा है सनातन गोस्वामी जी को। इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति की विधि, प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये शिक्षा शुरू होती यहां पर श्लोक क्रमांक 104 से। ए साधन एबे साधन भक्ति लक्षण सुन सनातन, यहां है ते पाए कृष्ण प्रेम महाधन। उसके उसी श्रृंखला में ये श्लोक क्रमांक 106 और 107 आती है, क्योंकि इस श्लोक में श्रवण की महानता बता गई है। श्रवण कितना महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में। तो हमें 84 लाख कई बार घूमने के बाद भगवान की कृपा से क्या मिलती है, भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड प्रभिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो और एक बीज मिलती है, वो है श्रद्धा बीज। श्रद्धा बीज है साधु संगे। तो भक्ति में आने के बाद, आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद, ये दो प्रकार के बीज हमें मिलते हैं, सीड ऑफ होप, सीड ऑफ फेथ एंड सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति लता बीज और श्रद्धा का बीज। तो इस बीज को हमें क्या करना है, बीज को क्या करते हैं हम, साधारणता बीज मिलने के बाद शोकेस में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, क्या करते हैं, बीज को बो देते हैं। इसलिए इसी मध्य अध्याय में, मध्य लीला में 19वां जो अध्याय है उसमें श्लोक क्रमांक 152 बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधक या जो शिष्य है, प्रैक्टिशनर है, वो किसके समान है, एक गार्डनर के समान है। जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं
वो हर एक जो साधक है, महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को कि हर एक साधक, हर एक प्रैक्टिशनर किसके समान है? माली के समान है। बहुत ही सुंदर श्लोक आती है, माली हन्ना करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। क्या कहा है? माली हन्ना, हर एक साधक को माली बनना चाहिए क्योंकि उसको बीज मिला है। तो माली बीज मिलने के बाद क्या करते हैं? इस बीज को आरोपण करता है, जमीन में बो देता है और देखते बैठता नहीं। क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो इस बीज का सिंचन क्या है? श्रवण कीर्तन। तब धीरे धीरे बीज किसमें रूपांतरित होगा? पौधे में, पता, लता, भक्ति लता। तो आज हम चर्चा करेंगे ये तीन श्लोकों को लेकर, श्लोक क्रमांक 106, 107 अध्याय 22 और 19 अध्याय, श्लोक क्रमांक 152, माली हन्ना करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं आध्यात्मिक जीवन की नींव है, फाउंडेशन है श्रवण कीर्तन। क्योंकि भक्ति शुरू होती है कहां से? शुरू होती है नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इसलिए इसको फाउंडेशन कहा है, फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, बुनियाद। बुनियाद क्यों कहा है? हाँ, ये बिल्डिंग जो खड़ी होती है, कोई भी बिल्डिंग, उसकी नींव क्या है, बुनियाद क्या है? फाउंडेशन। जितना आपको जमीन के ऊपर बिल्डिंग को खड़ा करना है, उतना पहले जमीन के अंदर जाना पड़ता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन लाइन में बताते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में, कि 30-40% समय, पैसा, मेहनत जाती है फाउंडेशन बनाने में। क्यों? जमीन के ऊपर क्यों नहीं बांध सकते? क्या होगा? गिर जाएगी। ऐसे हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो नींव है, फाउंडेशन है श्रवण कीर्तन। अगर ये मजबूत नहीं तो क्या होगा? हमारी आध्यात्मिक जीवन की बिल्डिंग गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि कली का प्रभाव, माया का प्रभाव किसके समान है? आंधी तूफान के समान है। और हमारी जो श्रद्धा है कोमल लता के समान है। इस आंधी तूफान के सामने एक कोमल लता टिक नहीं पाएगी। इसलिए इस कोमल लता को बढ़ने के लिए आगे फाउंडेशन ठीक होना चाहिए। क्योंकि कलयुग में इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़पेपर, रेडियो, मीडिया, इनसे कई चीज़ें हम सुनते हैं। आध्यात्मिक जीवन संस्था में ये हो रही है, इस साधु का ये हो गया, ये सुनकर हमारी बिल्डिंग डगमगा जा सकती है। लेकिन जितना हमारा फाउंडेशन मजबूत होगा श्रवण कीर्तन, भले कितनी भी आंधी तूफान आए, कितनी भी ऐसी गलत न्यूज़ अफवाहें सुने, अगर सच भी है तो हमें प्रोसेस में पूरी क्या होगी? श्रद्धा होगी। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कोई हमें हिला नहीं पाएगा अगर हमारा श्रवण कीर्तन ठीक है तो। इसलिए ये मजबूत होना चाहिए, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, फिलोसॉफिकली स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि कितनी भी समस्या आए संस्था में, आध्यात्मिक जीवन में, साधु के जीवन में, ये सुनकर हमें डगमगाना नहीं चाहिए। हमें दृढ़ता बढ़ानी चाहिए, विश्वास बढ़ाना चाहिए कि माया कितनी स्ट्रांग है, मुझे और गंभीरता से भक्ति करनी है। जैसे देवामृत महाराज एक बार बता रहे थे, इस होलनेस देवामृत महाराज जी, जब हमारे जीवन में समस्या आती है, तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, तो माया एक थप्पड़ मार रही है, तो हमें क्या करना है? माया को चार थप्पड़ मारकर शांत करना है। माया को चार थप्पड़ मारने का मतलब है चार और एक्स्ट्रा माला करना है, चार और अध्याय पढ़ना है। तो माया को चार थप्पड़ मारने के समान है। तुम एक मारोगी तो हम चार मारेंगे, सुना है कि नहीं गाना? ऐसे हमें स्ट्रांग होना चाहिए।
क्योंकि पूरा भौतिक जगत के खिलाफ आप जा रहे हैं, मन के खिलाफ जा रहे हैं, और मन के द्वारा माया कली पूरा प्रयास करेगा आपकी बिल्डिंग को हिलाने का। आप कभी हिल पाओगे? जब आप तैयार हो गए हिलने के लिए तभी हिल पाओगे। नो पावर इन द होल क्रिएशन कैन डिस्टर्ब यू अनलेस यू वॉन्ट टू गेट डिस्टर्ब बाई योर ओन माइंड। कोई ताकत नहीं जो आपको हिला नहीं सकती। आपको कभी हिला सकती है जब मन से तैयार होंगे, और मन कभी हिल जाएगा, विचलित होगा, जब मन श्रवण कीर्तन में नहीं होगा। क्योंकि खाली मन क्या है? शैतान का घर। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज करने के लिए आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस्कॉन में ये छोड़कर हम सब कुछ कर रहे हैं इसलिए समस्या बढ़ रही है। इसलिए भक्तिवेन ठाकुर कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई बैक होम बैक टू गॉडहेड यू हैव टू हैव टू विंग्स। अगर भक्त पंछी के समान है तो भक्त जो पंछी के समान है उसको दो पंख होने चाहिए। कितने पंखों पे पंछी उड़ती है? दो, और दोनों साथ में काम करना चाहिए। दे शुड वर्क साइमल्टेनियसली। कभी देखा है पंछी को एक पंख पे उड़ते हुए? नहीं। ऐसे भक्त अगर पंछी है तो पंछी के समान में उड़ते उड़ते भगवत धाम जाना है तो हमें दो पंख चाहिए। फर्स्ट पहला पंख क्या है? अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवण कीर्तन। और दूसरा पंख है अटेंटिव डीलिंग्स विथ वैष्णवास, वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट। वैष्णव एटिकेट क्या देगा? टिकेट देगा। एटिकेट क्या देगा? टिकेट बैक टू गॉडहेड। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में समस्या आती है जब हम ध्यान पूर्वक सुनते नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति का लक्षण क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? भक्ति के दो लक्षण बताए, कौन से हैं? क्लेशाग्नि और शुभदा। लेकिन भक्तिवेन ठाकुर बताते हैं भक्त्यालोक में, भले भक्ति शुभदा है, हमारी दुर्भाग्य की शुरुआत होती है ध्यान न देने से। किससे होती है? ध्यान न देने से। हाँ, अवर मिस फॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इन अटेंशन। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट पे हमने 20 घंटे का सेमिनार बनाए, इन अटेंटिव चैंटिंग। एक पावर, इतनी पावरफुल लाइन है इन अटेंटिव चैंटिंग। अवर मिस फॉर्चून स्टेम्स फ्रॉम इन अटेंशन। हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत हो सकती है, बर्बादी की शुरुआत हो सकती है ध्यान न देने से। अगर ये दो मूलभूत जो चीज है जिससे भक्ति शुरू होती है, ये अगर ठीक नहीं है, बेसिक में हमारी गलती है, बेसिक में राड़ा, बंबई की भाषा में बोलते हैं, हमारे बेसिक में राड़ा है, गड़बड़ी है। एक प्लस एक कितने होते हैं? दो होते हैं, है कि नहीं? वन प्लस वन की जगह, वन प्लस वन कितना होता है? टू की जगह आपने क्या किया? थ्री किया, और 10 पन्ने का आंसर लिखा तो क्या मिलेगा? बड़ा अंडा मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि पहली स्टेप में ही आपने गलती की है। वन प्लस वन टू की जगह आपने कितना किया है? थ्री किया है। उसमें डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्सट्रैक्ट करो, ऐड करो, आंसर गलत आने वाला है। तो भक्ति का मैथमेटिक्स क्या है? वन प्लस वन श्रवण और कीर्तन। पहले स्टेप ही गलती हो गई तो बाकी सब चीजों में गलती होगी, क्योंकि श्रवण कीर्तन भक्ति का क्या है? हार्ट है। हार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस इज हियरिंग एंड चैंटिंग। हार्ट की विशेषता क्या होती है? हृदय की विशेषता क्या होती है? जो चलने के कारण स्पंदन कहते हैं उसको, हार्ट बीट क्या कहते हैं हिंदी में? स्पंदन। हृदय का स्पंदन क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? हाँ, दिल की धड़कन। ये बंद हो गई तो क्या हो गया? ब्लड सप्लाई बंद हो गया। निरंतर ये धड़कन चल रही है, हृदय का स्पंदन हो रहा है, हार्ट बीट हो रहा है। अरे हार्ट बीट के कारण शरीर में जितने भी अंग है उनको ब्लड सप्लाई, खून का सप्लाई हो रहा है। ये बंद हो गया तो खून का सप्लाई बंद, लखवा मार जाएगा। क्या कहते लखवा को?
पैरालिसिस हिंदी में क्या कहते हैं, लकवा मारते हैं। अच्छा, तो आदमी को लकवा कभी मारता है, पैरालिसिस कभी होता है, उसका हार्ट बीट काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, ब्लड सप्लाई उस अंग को, उस शरीर के अंग को सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, एक साइड उसकी कमजोर हो जाती है। क्यों? ब्लड सप्लाई ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे भक्ति का हार्ट क्या है, श्रवण कीर्तन, वो अगर बंद हो गया तो सब अंगों में समस्या आएगी। बाकी 7 अंग है, नवविधा भक्ति में कितने अंग है, 9 है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हार्ट, श्रवण कीर्तन, ये अगर निरंतर काम कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो बाकी सब काम करेंगे, नहीं तो गले का बोझ। क्योंकि जितने भी अपराध है उनको जन्म देता है ध्यान न देना, इन अटेंशन। इसलिए बहुत ही सुंदर शब्द दिया भगवान ने, इन अटेंशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है इन अटेंशन का मतलब क्या है, शब्दशः अर्थ क्या है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, इन अटेंशन, असावधान, नहीं शब्द में क्या बताए, इस शब्द में ही उसका गहरा मतलब है, इन अटेंशन, इंटरनेशन का मतलब है इन अटेंशन, ऑलवेज इन अटेंशन, अगर इस कार्य में ध्यान नहीं देंगे तो ऑलवेज इन अ टेंशन, इन अटेंशन। तो इन अटेंशन इज एन इनविटेशन फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सत्स्वरूप महाराज बताते हैं जपा रिफॉर्म किताब में, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, आ बैल मुझे मार, हिंदी में कहते ना उस प्रकार समस्याओं को, तकलीफों को, बीमारियों को, जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको हम खुद बुला रहे हैं, अगर श्रवण कीर्तन में ध्यान नहीं दे रहे तो आ बैल मुझे मार, इस प्रकार का एक कार्य। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए, एक कार्य करना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में हम देखते हैं अगर किसी कार्य में सफलता चाहिए तो ध्यान देना चाहिए, ध्यान नहीं देते तो क्या होती है, जैसे एग्जाम में आप पेपर लिख रहे हैं, पेपर लिखते समय आपका ध्यान नहीं तो क्या होगा, 0 मार्क्स। लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं तो क्या होगा, हाथ पैर कट जाएंगे और मंदिर के सामने बैठना पड़ेगा, अल्लाह के नाम पे दे दे है कि नहीं। अगर रेल की पटरी क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान नहीं तो क्या होगा, राम नाम सत्य है। तो भौतिक कार्य में इतना ध्यान देना आवश्यक है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो सोच सकते हैं, भक्ति में ठाकुर कहते हैं, जो कार्य हमें भौतिक जगत से बाहर निकालकर आध्यात्मिक जगत लेके जाने वाला है उसमें कितना ध्यान देना चाहिए, और वो कार्य है श्रवण कीर्तन, और उसके लिए हम इस्कॉन में आए हैं। इस्कॉन के 7 ऑब्जेक्टिव्स है, ध्येय है, सबसे बड़ा ध्येय क्या है, टू क्रिएट फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर कमिंग टुगेदर ऑफ लाइक माइंडेड पीपल फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इस्कॉन। एक विचारधारा के लोगों को एक अनुकूल वातावरण निर्माण करके देना है, किसके लिए, श्रवण कीर्तन के लिए, वो मंदिर का उद्देश्य है इस्कॉन के। क्योंकि इस्कॉन में और कुछ नहीं होती, 4:30 से 9:30 क्या होती है, कोई बता सकता है क्या करते हैं हम रोज सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में, साधना। साधना का मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं एक्चुअली, 4:30 से 9:30 मंगल आरती में क्या होता है, माइक पे कोई गा रहा है, कीर्तन कर रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं, श्रवण कीर्तन। और कोरस में हम गा रहे हैं, हम गाते हैं तो माइक में बोलने वाला सुनता है, श्रवण कीर्तन। नरसिंह आरती, तुलसी आरती, श्रवण कीर्तन है कि नहीं। जप में क्या करें, खुद का जप सुन रहे, कीर्तन श्रवण हम करें। भागवत में क्या करें, हाँ वक्ता बोल रहा है,
कीर्तन हो गया, श्रोता सुन रहे श्रवण कीर्तन, और कुछ होती है 4.5 घंटे 5 घंटे, तो कितना महत्वपूर्ण है। और जितना ये मॉर्निंग प्रोग्राम में गड़बड़ी होती है उतने आध्यात्मिक जीवन में गड़बड़ी शुरू होती है, क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक नहीं तो क्या होगा, मॉर्निंग प्रोग्राम, जमीन आसमान का फर्क है मॉर्निंग और मॉर्निंग में, है कि नहीं। मॉर्निंग का मतलब क्या है, शोक सभा, दिन भर शोक सभा मनाते रहेंगे, जप नहीं हुआ सेवा नहीं हो रही है, जप नहीं हुआ सेवा नहीं हो रही है, रोना धोना चलता रहेगा। और जितने भी अपराध है वो ध्यान न देने से होता है, श्रवण कीर्तन में ध्यान न देने से। अगर ध्यान पूर्वक वैष्णव के बारे में सुनते नहीं, वैष्णव महात्म्य क्या होगा, वैष्णव अपराध शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया, क्योंकि आपने कभी वैष्णव के बारे में ध्यान पूर्वक सुना नहीं। तो अपराधों की मालिका शुरू होती है ध्यान न देने से। नाम के बारे में ध्यान पूर्वक सुना नहीं तो क्या होगा, नाम अपराध। धाम के बारे में सुना नहीं तो धाम अपराध। गुरु के बारे में सुना नहीं तो गुरु अपराध। विग्रहों के बारे में सुना नहीं तो विग्रह अपराध। तो अपराधों को कौन जन्म दे रहा है, ध्यान न देना। इसलिए और मिसफॉर्च्यून स्टेम्स फ्रॉम इनअटेंशन, हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत होती है ध्यान न देने से। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक एक कार्य करना चाहिए। जितना ध्यान देके सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उतना हमारा भाग्य उजागर होगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। भाग्यवान शब्द कहां से आती है, भगवान से आती है। जो भगवान का वचन सुन रहा है उसको प्रवचन कहते हैं। वचन भगवान ने दिया है लेकिन साधु दोहरा रहे, इसलिए उस वचन को क्या कहते हैं, प्रवचन। प्रवचन जो ध्यान पूर्वक सुनेगा, मनन चिंतन करेगा, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, वो भाग्यवान है। तो हमें भाग्यवान बनना है। भक्ति में क्यों आए, भाग्यवान बनने के लिए। लेकिन हम दुर्भाग्य बन रहे। दुर्भाग्य क्यों बन रहे, क्योंकि श्रवण कीर्तन ध्यान पूर्वक नहीं हो रहे। दुर्भाग्य का मतलब है दूर भाग रहे, भक्तों के संग से दूर भाग रहे। दुर्भाग्य शब्द कहां से आती है, जो दूर भाग रहा है उसको दुर्भागी कहते हैं। दुर्भागी, दूर भागने वाला, दुर्भागी। श्रवण कीर्तन से दूर भाग रहा है, भक्तों के संग से दूर भाग रहा है, मंदिर से दूर भाग रहा है, वो कौन है, दुर्भागी। मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया भीष खाइनो। इसलिए श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीर्तन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रवण। इसको हमें समस्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम सिर्फ हरे कृष्णा बोल रहे हैं, खुद का जप सुन नहीं रहे, क्योंकि हमें सिर्फ बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। इसलिए अगर सुनेंगे नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। कौन अच्छा वक्ता बनेगा, जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा वक्ता बनेगा। वन हु हियर्स नाइसली ही इज गोइंग टू बिकम गुड स्पीकर। क्योंकि भौतिक जगत का नियम है, क्या नियम है भौतिक जगत का, जो बहरा होता है वो हमेशा क्या होता है, बहरा आदमी क्या होता है, हमेशा गूंगा होता है। क्यों, क्योंकि उसने सुना ही नहीं, क्या क्या बोल पाएगा। इसलिए हम क्यों बोल नहीं पा रहे, क्योंकि हम बहरे हैं, हम सुन नहीं पा रहे, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे। 20 साल से हम सुन भक्ति में है लेकिन कभी ध्यानपूर्वक सुना नहीं, बहरे बनते जा रहे हम, इसलिए बोल नहीं पा रहे। जो अच्छा सुनेगा उसके मुख से शब्द जरूर बाहर निकलेंगे, अगर उसने ध्यानपूर्वक सुना है कि नहीं। सबूत क्या है, जैसे आज क्लास चल रहा है, बहुत लोगों ने आए नहीं लेकिन बाद में पूछेंगे, प्रभु जी आए थे बम्बई से, क्या जोक मारा, क्या नई कथा बताई। तो आप कहते हैं नहीं नहीं आपको होना चाहिए था, नहीं नहीं फिर भी क्या बताया, सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, नहीं 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 आपको होना चाहिए था, नहीं क्या बताया क्या, नहीं नहीं मेरे पास शब्द ही नहीं बोलने के लिए। क्योंकि उसने सुना ही नहीं, घड़ी 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 देख रहा था वो, घड़ी घड़ी क्या देख रहा था,
घड़ी देख रहा था, ध्यान नहीं था उसका। इसलिए अंत में उसको क्या बोलना पड़ता है, मेरे पास शब्द ही नहीं है, शब्द आएंगे कहां से, सुना ही नहीं तो आएंगे कहां से। इसलिए सुनना आवश्यक है। तो श्रवण शब्द कहां से आती है, चरवण से, संस्कृत शब्द है श्रवण, ये कहां से आती है, और एक संस्कृत शब्द है चरवण, डाबर का चवन पास नहीं, चरवण का मतलब इंग्लिश में क्या है, चुइंग, हिंदी में जुगाली, जुगाली कहते ना, क्या कहते, मराठी में रवंत कहते, इंग्लिश में चुइंग, संस्कृत में चरवण। अरे चरवण शब्द इसके आता है श्रवण। तो एक आचार्य टीका करते हैं इस श्लोक पर गीता के, मत चिता मत गता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। भक्त का लक्षण क्या है, वो हमेशा भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन में मग्न होते हैं। यही बिजनेस है, यही काम धंधा है, बाकी सब काम धंधा छोड़कर हम क्यों आए मंदिर में, ये धंधा करने के लिए, ये बिजनेस करने के लिए। क्योंकि भक्त का लक्षण है मत चिता मत गता प्राणयंत बोधयंत। तो इस श्लोक पे टीका करते हुए एक आचार्य बताते हैं भक्त किसके समान होना चाहिए, गैया के समान। गैया की विशेषता क्या है, क्या करती गैया, हाँ चुगाली करती है कि नहीं, पहले जो भी मिलता है जितना भी स्टॉक है पेट में डालती है, टंकी फुल करती है और पेट के नीचे जाकर बैठती है, और अभी जो पेट में है वो फिर से मुंह में लाकर, हाँ बहुत ही प्रेम से बहुत ही समय देकर क्या करती है, जुगाली करती है। और जितना देर तक जितना प्रेम से वो करती है उतना मीठा दूध बनता है, और उस मीठे दूध को भौतिक जगत का क्या कहा है, भौतिक धरता का अमृत कहा है। तो जुगाली करने से घास क्या बनता है, अमृत बनता है। तो गैया से क्या सीखना है साधक को, भक्त को, साधक को गैया के समान होना चाहिए। जो भी प्रामाणिक परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा में वेद व्यास लिखित कथा में हमें सुनने को मिल रहा है वो लेकर टंकी फुल करना है, कान से अंदर लेना है, और प्रवचन होने के बाद कथा होने के बाद उसको क्या करना है, चबाना है, जुगाली करना है। वी हैव टू पॉन्डर, वी हैव टू मेडिटेट, वी हैव टू डिलिबरेट। तो श्रवण क्या है, ये जुगाली करने के समान। जितना अच्छा उस कथा पर मनन चिंतन करेंगे, 10 लोगों को बताएंगे, क्योंकि भगवान ने व्हाट्सएप फेसबुक किसके लिए बनाए हैं, जो भी आपने अच्छा सुना उसको दूसरों को बताने के लिए। नहीं तो हम भक्त बनने के बाद भी दिन ब दिन कली के चेले बनते जा रहे हैं, इसका लफड़ा क्या होगा, उसका लफड़ा क्या हो गया, इसके घर में क्या चल रहा है, हाँ उसमें गड़बड़ी क्या है, ये गलतियां फैलाने में हम कली के चेले बन रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा। वास्तव में भक्तों को ये कार्य नहीं करना चाहिए, हम भगवान के चेले हैं, कली के चेले नहीं है। कली का प्रतिकार करना चाहिए हमें, इस निगेटिव को रोकना है तो हमें पॉजिटिव फैलाना होगा। और पॉजिटिव कैसे फैला सकते हैं, आज प्रवचन में क्या अच्छा सुना, क्या बढ़िया लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा था, कौन सा टर्निंग पॉइंट था। नहीं तो हम दिन ब दिन कली के चेले बनते जा रहे हैं, सब नेगेटिव फैला रहे हैं, पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहे हमारे जीवन में, और इसलिए हमारे भक्तिमय जीवन में बाधा आ रही है। क्योंकि पॉजिटिव की जगह हम क्या फैला रहे हैं, नेगेटिव, और कली के चेले बनते जा रहे हैं। इसलिए आज से क्या करना है, जो भी भागवत कथा में सुना, जो भी पढ़ा, जो भी भक्तों के साथ चर्चा की, उसमें से कौन सी चीज अच्छी लगी व्हाट्सएप पे भेजना है, टेक्स्ट करना है, फेसबुक पे डालना है, उससे क्या होगा, वी कैन काउंट्रैक्ट नेगेटिविटी। और जितनी पॉजिटिविटी फैलाएंगे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, उतना हमें आसान होगा अगले दिन जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
तो श्रवण क्या है? इस प्रकार है, जुगाली करना, मनन चिंतन करना. हेयरिंग शुड इग्नाइट अवर इंटेलिजेंस, हेयरिंग शुड फोर्स अवर इंटेलिजेंस, दैट इज रियल हेयरिंग. श्रवण कौन सा है? जो श्रवण हमारे बुद्धि को चालना देता है, सोचने के लिए मजबूर करता है कि आज मैंने क्या सुना, ये संभव है, ये कैसे जीवन में उतार सकता हूं. बुद्धि को मजबूर करना चाहिए, सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए. आपकी नींद उड़ जाना चाहिए, खाना पीना हराम होना चाहिए, इससे परीक्षित महाराज खा पी नहीं पाए, सो नहीं पाए, धुंधुकारी रात भर सो नहीं पाया. इसलिए आज तक दो ही श्रोता हुए इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में, जिन्होंने 100% श्रवण का फायदा उठाया. दो ही लोग हैं, परीक्षित महाराज और धुंधुकारी. क्यों, क्या कारण है? क्योंकि कथा सुनने के बाद रात भर सो नहीं पाए, वो लोग रात भर मनन चिंतन कर रहे थे. समझ गए? तो हेयरिंग शुड इग्नाइट अवर इंटेलिजेंस. अभी हर एक गाड़ी व्हीकल क्यों भागती है? कार, मोटर, मोपेड, टू व्हीलर क्यों भागती है? इग्निशन, पेट्रोल की, गैस की एक एक बूंद उस पर गिरती होती है, सप्लाई कांस्टेंट. वो सप्लाई इंजन पे गिरने के कारण इग्निशन, इग्निशन के कारण गाड़ी भाग रही. ऐसे भक्ति की गाड़ी आगे कभी भागेगी? जब निरंतर इग्निशन होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. इग्निशन और नहीं हो रहा है तो गाड़ी आगे भागे कैसे? सप्लाई नहीं हो रहा है, पाइप में लीकेज है, गैस पेट्रोल नहीं पहुंच रहा है इंजन तक, तो गाड़ी भागेगी कैसे? रिवर्स गाड़ी करेगी. इसलिए इग्निशन मजबूर करना चाहिए, श्रवण. कि श्रवण कोई कार्य नहीं है, श्रवण विधि है. कितनी बड़ी विधि है ये, अगर अच्छी तरह से करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे ये श्रवण विधि, तो आपका विधान बदल सकता है. ये विधि आपका विधान बदल सकता है, इतनी ताकत है इसमें. इसलिए नव विधा भक्ति का है इसको. विधा का मतलब है ये विधि है, ये कोई कार्य नहीं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड एक्टिविटी? प्रोसेस को क्या कहते हैं? विधि कहते ना, विधि. तो विधि में और कार्य में फर्क क्या है, कोई बता सकता है? प्रोसेस और एक्टिविटी में फर्क क्या है? प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, ऑन गोइंग. हाँ, भगवान की संतुष्टि के लिए. ओ कार्य, बहुत बढ़िया. कार्य का मतलब है शुरुआत और अंत. 8 बजे क्लास शुरू हो गया, 9 बजे खत्म होना ही चाहिए. इसलिए हम घड़ी घड़ी क्या देखते हैं? घड़ी देखते हैं, श्रवण नहीं करते हम. तो इसको कार्य मत बनाओ. डोंट ब्रिंग डाउन द स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑन द लेवल ऑफ रिचुअल. वी हैव ड्रैग डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑन द लेवल ऑफ रिचुअल. क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे. ध्यान न देने से ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्य है, आध्यात्मिक कार्य, जो हमें भौतिक जगत से बाहर निकाल सकता है, पिता के घर ले जा सकता है, उस कार्य को हमने रिचुअल बनाया, कर्मकांड बनाया. कार्य का मतलब है शुरुआत और अंत. विधि का मतलब है उसकी कभी अंत नहीं होती. क्योंकि एक प्रवचन में सुना हुआ उपदेश, आज्ञा सारे जीवन के लिए भारी पड़ सकती है. क्योंकि गुरु का मतलब क्या है? हेवी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु? हेवी. साधु का मतलब है हेवी, बहुत भारी होता है उनका वचन. कितना भारी होता है? जन्मे जन्मे प्रभु से ही. एक वचन निभाने के लिए जीवन कम पड़ेगा, एक साधु का वचन निभाने के लिए पूरा जीवन कम पड़ेगा. इसलिए क्या कहते हैं? जन्मे जन्मे प्रभु से ही. रोज गाते हैं गुरु पूजा में हम, लेकिन ध्यान नहीं होता. रिचुअल बना के रखा है हमने उसको.
सबूत क्या है, श्रवण में ताकत क्या है, एक आज्ञा ध्यान पूर्वक सुना, उस पर मनन चिंतन किया, अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, पूरा जीवन बीत जाएगा, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुंदना, तस्माद एक न मनसा भगवान सातवता पति, क्योंकि श्रवण से बुद्धि कार्यरत होती है। बुद्धि के तीन कार्य बताते हैं पिछले बार, किसको याद है, 3D, व्हाट आर द 3 Ds, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डी, दैट डी फर्स्ट डी गिव्स बर्थ टू नेक्स्ट डी डिटर्मिनेशन, सेकेंड डी डिटर्मिनेशन गिव्स बर्थ टू थर्ड डी डिसीजन। तो बुद्धि के तीन कार्य है, विवेक दृढ़ विवेक बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, निश्चित बुद्धि, ये बुद्धि के तीन कार्य कभी शुरू होंगे, जब हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो कलयुग में बुद्धि काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलयुग में बुद्धि सटिया गई है, काम नहीं कर रही है, क्योंकि ऊपर का मंजिला खाली होता है, लास्ट फ्लोर। कलयुग में बुद्धि होती है घुटने में, गलती से काम करते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक बुद्धि जागृत होती है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जब प्रेम से श्रवण कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो पहली बार बुद्धि काम करना शुरू करती है सही रास्ते पर। इसलिए श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि का पता लगता है जब आप श्रवण करोगे, मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए कि आज मैंने क्या सुना, कितने जन्मों से मैं इस टॉयलेट में सड़ रहा हूं, मुझे टॉयलेट से बाहर निकलना है, ये दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता आने के बाद निश्चय कर पाओगे मुझे इसी जन्म में इस टॉयलेट से बाहर निकलना है। निश्चय क्यों नहीं कर पाए टॉयलेट से बाहर निकलने का, भले माया ने 400 चैनल लगाए, ऑडियो नहीं लगाया है, अगरबत्ती लगाई है, सबसे बढ़िया मैगजीन रखी है, सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन दिया है, कोई मूर्ख इस टॉयलेट से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, क्यों, क्योंकि बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। हम सोच रहे हैं सबसे बढ़िया फैसिलिटी है, आदमी टॉयलेट में कितना देर बैठता है, हर एक का अलग अलग रिकॉर्ड है विथ साउंड इफेक्ट्स है कि नहीं, लेकिन काम होने के बाद आदमी तुरंत बाहर निकलते हैं। हम क्यों नहीं बाहर निकल रहे, क्योंकि श्रवण ठीक नहीं हो रहा है, बुद्धि सटिया गई है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए श्रवण हमें मजबूर करता है सोचने के लिए। श्रवण में ताकत कितनी है, अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे, पूरा जीवन बीत जाएगा एक आज्ञा पालन करने के लिए, साधु की गुरु की। सबूत क्या है, प्रभुपाद को आज्ञा मिली थी 1922 में, क्या आज्ञा थी, पहली आज्ञा गुरु की 1922 में, हाँ, तुम इतने पढ़े लिखे नौजवान हो, क्यों नहीं इस कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में करते हो जाकर। 1922 में मिला पहली भेंट में, और उसको बहुत गंभीरता से लिया। प्रभुपाद लिखते कौन से श्लोक में, व्यवसायत्मिक बुद्धि, कि मुझे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का कमेंट्री दिल को छू गया, कि साधु और गुरु की आज्ञा को मनन चिंतन करके अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, और मैंने उसको कितने साल मनन किया, 44 साल, 44 ईयर्स। सबूत क्या है, आज्ञा मिली थी 1922 में, उतारा कभी जीवन में 1966 में। सोचिए ऐसे परम वैष्णव शुद्ध भक्त जो भगवान के कहने पर आए, उनको 44 साल लगे, तो हम किस खेत की मूली है जो हम कह सकते हैं हमने श्रवण किया। महाप्रभु ने कितने बार सुना होगा, अपनी कहानी नहीं भक्त की कहानी, किसको पता है, 100 बार सेंचुरी मारी है। तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हमने सुना है, कि कई लोग कहते हैं प्रभु जाते हैं सिर्फ हरे कृष्ण ही बोलते रहते हैं,
कि हरे कृष्णा करना ही जीवन का उद्देश्य अंतिम, उस पर हमें क्या करना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं बाय डूइंग द सेम रूटीन एक्टिविटी वी कैन गो बैक होम टू बैक टू गॉड। जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं वो रूटीन है, कुछ बदलने होने वाला है, बदल कुछ नहीं होने वाला है, ना विग्रह बदलेंगे राधा राधिका राधिकरमण, ना प्रभुपाद बदलेंगे, ना नंद यशोदा बदलेंगे, ना 700 श्लोक बदलेंगे, ना भागवतम के 18 श्लोक बदलेंगे, ना गुरु पूजा बदलेगी, ना हेयर स्टाइल बदलेगा, ना ड्रेस कोड बदलेगा, बदलना हमें है। अरे बदलाव संभव है ध्यान पूर्वक जप से, श्रवण कीर्तन से। हेयरिंग का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। ये बदलाव होना चाहिए। तो सोच सकते हैं प्रभुपाद ने कितने साल लिए, 44 साल लिए एक आज्ञा को पालन करने के लिए। तो हमने कितनी आज्ञा सुनी है प्रवचन में और उस पर कितना मनन चिंतन कर रहे हैं। इसलिए वास्तविक हमारा अभी तक श्रवण शुरू नहीं हुआ, इसलिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, पहले श्लोक में अटकती जाती है। सबका अनुभव है, गीता पढ़ते हैं तो हर बार नहीं लगती है, क्योंकि हर बार वही श्लोक पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं लगती है गीता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उसके आगे हम बढ़ते नहीं, क्यों, क्योंकि ध्यानपूर्वक मनन चिंतन नहीं किया। तो श्रवण शुरू होती है क्लास के बाद, कभी शुरू होती है श्रवण क्लास के बाद, कितना सुना है, कितना मनन चिंतन कर रहे, कितना लोगों को बता रहे। इसलिए एक क्लास खत्म होने के बाद अगर हम उस पर मनन चिंतन नहीं कर रहे तो हमने कुछ नहीं सुना। ये स्मशान वैराग्य हमारा, क्लास में जब तक बैठते तो लगता है कितना ये भौतिक जगत दुखालय है, कितना इसमें कष्ट है, कितनी तकलीफ है, लेकिन बाहर निकलते ही इस क्लास पे मनन चिंतन नहीं करते तो क्या होती है, फिर फालतू बातें करते, मोदी का क्या होगा, तेंदुलकर का क्या होगा, एंड वी वॉटर डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कथा। तो कथा का हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कथा से बाहर निकलते ही हम दुनिया भर की बातें शुरू करते हैं, ग्राम में कथा प्रजल, दुनिया भर की बातें। इसलिए उस कथा का जो महत्व है उसको हम गटर में बाहर है, इसलिए कथा कभी हमें लाभ नहीं दे रही है। कथा का लाभ उठाना है तो हमें प्रवचन के बाद उस पर मनन चिंतन करना होगा, प्रसाद लेते समय, घर जाते समय, उस दिन अगले हफ्ते अगले महीने पूरा साल पूरा जीवन मनन चिंतन करना है, तब वास्तविक श्रवण का पूरा लाभ होगा हमें। तब मनन चिंतन करने से किसके समान है, ये जुगाली करने के समान है। जितना उसको मनन चिंतन करेंगे तो क्या होगा, ये जुगाली करने के समान है। तब जाकर कथा क्या बनेगी, हरि कथा अमृत। क्या बनेगी, हरि कथा अमृत। नाम क्या बनेगा, हरि नाम अमृत। अभी जहर लग रहा है, अभी तकलीफ हो रही है क्लास में बैठने की, जप करने की, क्यों, क्योंकि चबा नहीं रहे उसको, मनन चिंतन नहीं कर रहे, जुगाली नहीं कर रहे, अच्छी तरह से खाते नहीं, सिर्फ निगलते। तो क्या होती है, अन्न क्या बनता है, फूड क्या बनता है, पॉइजन बनता है। ऐसे हमारे लिए कथा पॉइजन बन रही है, हरि नाम पॉइजन बन रहा है, क्यों, कि उसको हम निगलने का प्रयास कर रहे, उसको चबा नहीं रहे, मनन चिंतन नहीं कर रहे, उसका मतलब समझने का प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए ये जो कथा है और नाम हमें दुष्टि पुष्टि देने की जगह क्या कर रहे हैं, ज्यादा बीमारी पैदा कर रही है, मन की बीमारी, शरीर की बीमारी। ये क्यों हो रही है, भक्त बनने के बाद हम अशांत है, भक्त को अशांत नहीं होना चाहिए। अशांत कौन होते, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांति क्यों नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि बेसिक में राड़ा है, मूलभूत जो कार्य है श्रवण कीर्तन उसमें गड़बड़ी है। इसलिए श्रवण कीर्तन क्या है, आध्यात्मिक जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। अगर ये ठीक नहीं हो रही है
तो जीवन में कुछ ठीक नहीं होगा, ना घर के ना घाट के, त्रिशंकु बन जाएंगे हम। त्रिशंकु ना तो जमीन पे पृथ्वी पे आ पा रहा था, ना स्वर्ग लोक में जा, बीच में अटक गया, ऐसे बीच में अटक गया हम। ना तो भौतिक जगत का भी भोग कर सकते हैं, ना आध्यात्मिक जगत में कुछ आनंद मिल रहा है, ना घर के ना घाट के बन गए। इसका कारण एक ही है कि हम मूलभूत कार्य जो है श्रवण कीर्तन पे ध्यान नहीं दे रहे। जितना ध्यान को बढ़ाएंगे, जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उतने हमें आनंद मिलेगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। इसलिए श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब श्रवण करेंगे तभी बोल पाएंगे। कोई आया है माँ के गर्भ से बाहर निकलते हुए हरे कृष्ण बोलते हुए? नहीं। हरे कृष्ण कभी बोलते हैं हम? जब किसी के मुख से सुना है, कहीं पढ़ा है। किताबी क्या है? किसी का बोलना है। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हम हरे कृष्ण बोल पाएंगे। इसलिए हरे कृष्ण बोलना भी है तो पहले सुनना होगा। इसलिए शिष्य की सबसे बड़ी योग्यता क्या है? वो ध्यान पूर्वक सुनता है। हु इज फर्स्ट क्लास डिसाइपल? वन हु हियर्स। सिंसियर का मतलब क्या है? वन हु हैज सीन थ्रू इयर्स, ही इज सिंसियर। रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं उपदेश अमृत में, जिसने एक बार सुनकर बदलाव लाया है वो सिंसियर है। वन हु हैज सीन थ्रू इयर्स, वन हैज नॉट सीन थ्रू इयर्स, नहीं, वन हैज सीन थ्रू इयर्स, जिसने सुनकर अब जीवन में बदलाव आया। तो कितना बदलाव हो सकता है श्रवण करने से? हम देखते हैं अर्जुन में बदलाव हो गया है कि नहीं। जो अर्जुन पहले अध्याय में बिल्कुल तैयार नहीं था, कितने कारण दिए युद्ध नहीं करने के? पांच। कौन कौन से? हाँ, वर्ण संकर और सिंफुल रिएक्शंस और भोग नहीं कर पाऊंगा। अलग अलग पांच कारण बताए। और पहले अध्याय में कोई श्लोक आता है श्री भगवान उवाच है? किसी गीता में श्री भगवान उवाच पहले अध्याय में? पहले अध्याय में मैक्सिमम श्लोक किसने बोले? अर्जुन ने। तो भगवान बता रहे प्रीचिंग टेक्निक, अच्छा प्रीचर बनना है, वक्ता बनना है तो पहले सुनो। हमारी गंदी आदत क्या है? कोई नया व्यक्ति आता है तो डायरेक्ट उसको गीता सुना देते हैं पूरा 18 अध्याय, या अगले हफ्ते पिछले हफ्ते जो भी सुना है प्रवचन लेक्चर वो डाउनलोड कर देते हैं। इसलिए अगले बार वो आदमी नजदीक नहीं आएगा। लेकिन भगवान बता रहे हैं अच्छा वक्ता बनना है तो पहले सुनो। भगवान ने मुंह नहीं खोला है पहले अध्याय में। क्या भगवान के पास श्लोक नहीं थे? क्या भगवान की बोलती बंद हो गई थी? क्या हो गया था? भगवान बता रहे हैं वक्ता बनना है तो पहले सुनो। जैसे कभी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर क्या कहते? आ जाओ अंदर, इंजेक्शन मार के भेज देते, सलाइन पे लगाते नहीं। हमारे पास इंजेक्शन का स्टॉक बहुत है, सलाइन बहुत पड़े, आ जाओ तुरंत, सलाइन नहीं चलाते, इंजेक्शन नहीं मारते, चलो काम हो गए, नहीं, एक घंटा सुनते क्या तकलीफ है क्या प्रॉब्लम है। ऐसे भगवान डॉक्टर है, पहला अध्याय सुनते रहे। अर्जुन को जो भी भड़ास है बाहर निकलने का अवसर दिया। ऐसे आदमी ओमिट करने के बाद डॉक्टर देखते हैं क्या खाया है क्या तकलीफ है। ऐसे पहले अध्याय में अर्जुन ने ओमिटिंग की है। क्या किए? वो ओमिटिंग देखकर डॉक्टर ने दवाई शुरू की। अगले 17 अध्याय क्या है? बड़ा इंजेक्शन है। तो पहला अध्याय अर्जुन की बीमारी, बाकी 17 अध्याय क्या है? बड़ा इंजेक्शन। इसलिए अर्जुन तैयार हो गए, क्योंकि बाकी 17 अध्याय सुनने के लिए उसको तैयार किया भगवान ने। और वो सुनने के बाद क्या कहते हैं? श्रवण का फायदा क्या है? नष्ट मोहो, हमारा मोह नष्ट होना चाहिए। 16 माला करने के बाद प्रेसिडेंट जो भी है उनके पास जाकर कहने गए, प्रभु जी आज 16 माला मैंने अच्छी की ध्यानपूर्वक, आज मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं खुद को शरीर मान रहा था, मैं आत्मा हूँ,
जो भी सेवा बताओगे मैं करने के लिए तैयार हूं। वो श्रवण है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा और करिष्ये वचनम तवा। कितना बड़ा फर्क है। जो आदमी बिल्कुल तैयार नहीं था युद्ध करने के लिए, वो तैयार हो गया श्रवण के कारण। और कोई उदाहरण श्रवण से बदलाव। वेश्या ने कितने दिन सुना? दिन भी नहीं, तीन रात। तीन रात हरिदास ठाकुर का जप सुनकर कितना बदलाव आ गया, सोच भी नहीं सकते हम। वेश्या ने मुंडन किया। वेश्या को सबसे ज्यादा क्या होता है, अटैचमेंट होती है बालों से। बालों से वो ग्राहक को आकर्षित करती है। वेश्या को सबसे अटैचमेंट होती है कपड़ों से, रंग बिरंगे कपड़े, लिपस्टिक, पाउडर। सोचिए, उस वेश्या ने मुंडन किया, सफेद कपड़े पहनने लगी। और वेश्या के बिजनेस से जो पैसा कमाया था वो फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखा, क्या किया उसने, दान में दे दिया। कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। हम ब्रह्मचर्य बनने के बाद सोचते हैं पैसा बैंक में रखेंगे, कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या करेंगे है कि नहीं। लेकिन वेश्या में कितना बदलाव आ गया, पूरा धन लोगों में बांट दिया, मुंडन किया, सफेद साड़ी पहनने लगी। सफेद साड़ी कौन पहनती है, विधवा पहनती है। सोच सकते कितना बदलाव आ गया। जो हरिदास ठाकुर का पतन करने के लिए आई थी उसमें इतना बदलाव आया। किस कारण? तीन रात सुना, सिर्फ तीन रात। हम 20 साल से सुन रहे फिर भी हमें बदलाव नहीं आ रहा। वेश्या बदल गई लेकिन हम नहीं बदले, क्योंकि हमारा मन वेश्या से ज्यादा गया गुजरा है। माइंड इज लाइक प्रोस्टिट्यूट। तो ये वेश्या के समान हमारा जो मन है वो कभी बदलेगा, जब इस वेश्यारूपी मन को ध्यान पूर्वक सुनाएंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ गए? तो हमारा मन वेश्या से भी गया गुजरा हुआ है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसको सुनने के लिए मजबूर करना होगा, और श्रवण उसको मजबूर करेगा, बुद्धि को, मन को। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है मन को सुनना नहीं। आध्यात्मिक जीवन में कदम रखते तो मतलब क्या है, मन का सुनना नहीं। मन का सुनने का समय निकल चुका है, अभी समय आ चुका है मन को सुनाने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। क्योंकि मन का जो सुनेगा वो क्या बनेगा, मन की। क्या बनेगा, मन की। मन की सुनने वाला कौन बनेगा, मन की। क्योंकि भागवत में कहा है मन को क्या कहा है, मंकी। बंदर का है कि नहीं, बंदर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मंकी। मंकी का मतलब है मन की। मन की जो सुनेगा वो क्या बनेगा, मंकी बनेगा। मन की जो कहेगा वो मंकी बनेगा। तो हम डार्विन को प्रूव कर रहे हैं, हम बंदरों से आए है कि नहीं। डार्विन को डिस्प्रूव करना है तो मन का सुनना नहीं। गुरु मुख पद्म वाक्या चीते ते करी आई क्या, आर ना करी हो मना आशा। ये दिया है सब सार, रोज गाते हैं, जो भी भजन गाते हैं उसमें सब सार दिया है, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ध्यान नहीं है, रिचुअल बना दिया हमने उसको, कर्मकांड बना दिया, एक फॉर्मेलिटी। गुरु पूजा है चलो गाएंगे, 5 मिनट बाकी है क्लास में तो उसको भी पूरा कर लेंगे नहीं, उस पर मनन चिंतन करना चाहिए। जितना मनन चिंतन करेंगे उतना बदलाव होगा। क्योंकि हम बता रहे थे बदलाव हमें लाना है। हम सारे जगत को बदल नहीं सकते, हमारे आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें बदलाव लाकर बाकी लोगों में बदलाव ला सकते। चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए श्रवण कीर्तन से बदलाव होगा, और हमें बदलाव देकर लोग सोचेंगे इतना गया गुजरा था, शराबी था, बेवड़ा था, नशेबाज था, जुआरी था, ये बदल गया तो हमारा चांस ज्यादा है। ये सोचकर घर वाले, मित्र परिवार हाथ में माला पकड़ेंगे आप में बदलाव देकर।
That is real preaching. Personal preaching is best preaching. प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि कलयुग में साइंस टेक्नोलॉजी के कारण पूरे जगत के, ब्रह्मांड के, सृष्टि के जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ है, एक टच पर, एक क्लिक पर आपके डेस्कटॉप पर आ सकते हैं। इतनी ताकत है साइंस टेक्नोलॉजी। पूरे जगत के, ब्रह्मांड के जितने भी पुराण है, शास्त्र है, वेद पुराण सब आ सकते है कि नहीं। इंटरनेट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सारे शास्त्र आ सकते। तो शास्त्रों की कमी नहीं है, आपके डेस्कटॉप पे एक मिनट में सब सारे शास्त्र। तो लोगों को शास्त्र में रुचि नहीं है। लोगों को ज्यादा रुचि किसमें है, विश्वास किसमें है? जो शास्त्र को जीवन में उतार रहा है उसको फॉलो करेंगे। वॉक योर टॉक, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, वॉक योर टॉक। जो प्रवचन में बोल रहा है, अपने जीवन में उतार रहा है, उसको साधु स्वीकार करेंगे। साधु का मतलब है आचार और प्रचार, और ये संभव है श्रवण कीर्तन से। कि श्रवण कीर्तन हमें मजबूर करेगा आचार, लिंबू का आचार नहीं, हाँ सदाचार, वो आचार जीवन में पालन करने का। हमें रुचि ज्यादा है आचार में, उस आचार में। तो सदाचार जीवन में कभी आएगा, जब हम 10 लोगों को बताएंगे। बताने से पहले हमें शर्म आएगी कि मैं दूसरों को बता रहा हूं लेकिन मैं पालन नहीं कर रहा हूं, तो शर्म के मारे पालन करना शुरू करेंगे। ये फायदा है बताने से। जो भी अच्छा लगा बताने से क्या फायदा है, बताने के पहले हमें शर्म लगी कि मैं ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहा हूं, तो मुझे पहले ध्यान पूर्वक सुनना होगा। मैं जीवन में उतार नहीं रहा हूं, मुझे पहले जीवन में उतारना होगा। इसलिए हमें क्या करना है, श्रवण कीर्तन से ये फायदे होते हैं, आचार और प्रचार बढ़ जाता है। क्योंकि जिसने ध्यान पूर्वक सुना है वो चुपचाप नहीं बैठेगा, भगवान उसका मुंह खुलवाएंगे। क्योंकि आपने सुना है उसको बाहर निकालना होगा। फ्रिज में सब्जी होती है वो ज्यादा दिन नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि बार बार दिमाग में विचार आता है, इतनी महंगी सब्जी है फ्रिज में रखी है, सड़ जाएगी, पैसा खराब होगा, उसको इस्तेमाल करना होगा। ऐसे फ्रिज में कुछ पड़ा है तो उसको इस्तेमाल करने की इच्छा होगी, समझ गए? कुछ ना कुछ चिपक जाएगा बोलने से, 10 लोगों को बताने से, और सोचेंगे मुझे भी अभी जीवन में उतारना है। ये फायदा है प्रचार का। इसलिए श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रवण के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कि श्रवण क्या है, भक्ति की शुरुआत है। फ्रॉम ऊम टू टूम्ब, मां के गर्भ से लेकर कब्र तक भगवान ने साधन जुड़ दिए श्रवण करने के लिए। मां के गर्भ में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंग तो सारे विकसित होते हैं एक साथ, लेकिन जो एक्टिवेट होता है कार्यरत पहला अंग, वो क्या है, श्रवण केंद्र, सेंस ऑफ हेयरिंग। इसलिए मां के गर्भ में ही भगवान ने हमें साधन जोड़ दिया है सुनने के लिए। कौन भक्त है जिन्होंने सुनकर भगवान की महान भक्त बने? मां के गर्भ में ही, अभी तक बाहर नहीं निकले थे। परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज, प्रहलाद महाराज। इसलिए भक्ति के लिए कोई बाधा नहीं, कोई भौतिक बाधा नहीं। भगवान इतने कृपालु है, कृष्ण बड़ा दयामय, हे कृष्णा करुणा सिंधु, मां के गर्भ में ही साधन जोड़ देते हैं कि बेटा सुनना शुरू करो। सुनो मी, कहां बताया भगवान ने, तत् सुनो, सातवां अध्याय पहला श्लोक, क्या श्लोक है वो शुरुआत, 7.1, मया सक्त मना पार्थ। तत् सुनो, तत् सुनो का मतलब क्या है, सुनो मी। सुनो मी नहीं तो क्या होगा, सुनामी आएगी। सुनो मी नहीं तो सुनामी। इसलिए जापान में बार बार सुनामी क्यों आती है, भूकंप क्यों आता है, क्योंकि वहां के लोग भगवान का सुनते नहीं, गीता फॉलो नहीं करते, और विशेष करके वहां के लोग जप भी नहीं करते। इसलिए देश का नाम क्या है, जापान, जापान ही करते वहां के लोग। तत् सुनो, क्या कहते हैं इंग्लिश में श्रवण को, हियर। हियर का मतलब क्या है, हियर में क्या शक्ति है,
here can manifest Hare in your life, Radharani. Vahi Akshar hai char, H-E-A-R. Sirf position badal karke, kya hoti hai? H-A-R-E prakat ho sakti hai. Hare prakat ho sakti hai jeevan mein. Antaranga shakti prakat ho sakti hai aapke jeevan mein. Itni taakat hai. और ध्यान पूर्वक सुनने से सारी समस्या, प्रॉब्लम, संकट, भय, भय क्यों निर्माण होती है? जब हम भगवान के बारे में सुनते नहीं. भज हो रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणान. इसलिए इस भजन के तात्पर्य में प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, सुनने से हमारा भय नष्ट होगा. श्रवण की ताकत क्या है? भय मोह शोक नष्ट कर देता है. भय मोह शोक क्यों मिला है? भगवान को भूलने के कारण. विस्मरण, जैसे भगवान को जीवात्मा भूलता है, माया उसको तीन चीजें फ्री गिफ्ट देती है, अनुपम भेंट, मैचलेस गिफ्ट. क्या है? भय मोह शोक. गिफ्ट में क्या मिलता है भगवान को भूलने के कारण? भय मोह शोक. माया देती है, बेटा ले ले, भय मोह शोक. तो भय मोह शोक के कारण हम बार बार जन्म ले रहे हैं, और कोई कारण नहीं. भौतिक जगत में जो भी कर रहे हैं भय के कारण. ऐसा कोई कार्य है जो हम भय से नहीं कर रहे? कपड़े क्यों पहन रहे हैं? कोई बता सकता है कपड़े क्यों पहन रहे हैं हम? हाँ, कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग पत्थर मारेंगे, भय है. है कि नहीं? खा क्यों रहे? भय है, बीमार पड़ेंगे. तो ये भौतिक जगत कौन चला रहा है? भय चला रहा है. भय का साम्राज्य है यहां पर. हमें काम को कौन लगा रहा है? भय लगा रहा है. मद भयात वाती वातोयम. मद भयात क्या श्लोक है? सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण सब भयभीत होकर कार्य कर रहे हैं भगवान से. यहां तक कि संडे भी छुट्टी नहीं होती. संडे है, सन का डे है, लेकिन संडे सन को छुट्टी नहीं होती क्योंकि भगवान से भयभीत होकर कार्य करें. तो भय ये सबसे बड़ा क्या है इस भौतिक जगत का जो हमें कार्यरत कर रहा है. क्योंकि भगवान को भूलने के कारण भय मोह शोक मिलती है. लेकिन ये भय मोह शोक को नष्ट करने वाला एक ही चीज है, वो है भगवान का श्रवण. जितना अच्छा करेंगे उतने हमारे जीवन से भय मोह शोक चला जाएगा. भय का मतलब क्या है? इट रिलेट्स टू फ्यूचर, भविष्य की चिंता, भय. भय एक क्या है? रजोगुण है, आदमी को दौड़ाता है. भय भविष्य की चिंता है. भय का मतलब है इट रिलेट्स टू फ्यूचर. फ्यूचर की चिंता कर कर आदमी एक जगह बैठ नहीं सकता, भागना दौड़ना शुरू करता है. शोक तमोगुण का लक्षण. भय रजोगुण का लक्षण है और शोक क्या है? तमोगुण का लक्षण. शोक क्या है? इट रिलेट्स टू पास्ट. मेरे साथ क्यों हुआ, कब हुआ, कब कैसे हुआ मत पूछो, तो शोक. और हमारा दुर्भाग्य क्या है? ये दो चीजों में हमारा मन लगता है, श्रवण में मन नहीं लगता. क्यों? क्योंकि मन पंछी के समान है. मन पंछी के समान है. मन को दो पंख होते. मन हमेशा दो पंखों पे उड़ती होती है. मन के दो पंख क्या है? भूत और भविष्य. माइंड इज ऑलवेज फ्लाइंग ऑन टू विंग्स, पास्ट एंड फ्यूचर, नेवर एवर इन प्रेजेंट. इसलिए बी प्रेजेंट, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड. कथा में हमें क्या नहीं होना चाहिए? एब्सेंट को क्या कहते हैं? अनुपस्थित नहीं होना. ध्यान पूर्वक सुनना है. एबसेंट रहेंगे तो क्या होगा? सेंट नहीं बन पाएंगे. अब सेंट नहीं बन पाएंगे. सेंट का मतलब है साधु, महात्मा. एबसेंट होंगे तो सेंट नहीं बन पाएंगे. इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए. लेकिन दुर्भाग्य क्या है? वर्तमान में रहकर हम सुनेंगे नहीं, वर्तमान को हमारे लिए पकड़ के रखेंगे. वर्तमान होता है भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि वर्तमान तय करेगा नरक में जाओगे या भगवत धाम. यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंत. शरीर छोड़ते समय वर्तमान आपकी भावना क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, चेतना क्या है,
वो वर्तमान चेतना शरीर छोड़ते समय तय करेगी नरक जाओगे या भगवत धाम। इसलिए वर्तमान ही हमारा है, उस वर्तमान को भगवान की सेवा में लगाना है। हमारे कहने लायक दो ही चीजें, वर्तमान और हमारी भावना। अरे वर्तमान और भावना श्रवण कीर्तन में लगाने से आपकी मति फिक्स हो जाएगी, मति फिक्स होने के कारण गति फिक्स हो जाएगी। समझ गए, कनेक्शन है। मति जब भगवान में होगी तो गति फिक्स है, बैक टू गॉड हेड। इसलिए मति फिक्स करना चाहिए। तो वर्तमान और भावना, प्रेजेंट मोमेंट। भावना का मतलब है वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं, वो तय करेगा नरक जाओगे या भगवत धाम जाओगे। इसलिए हमारे कहने लायक दो ही चीज है, वर्तमान और भावना। उसको सही भगवान की सेवा में लगाना है। और सबसे बड़ा कार्य क्या है, श्रवण कीर्तन, उसमें लगाना है वर्तमान। इसलिए एब्सेंट रहने रहे, ध्यान पूर्वक सुनकर इसको हमें क्या करना है, क्योंकि हम जितना वर्तमान को पकड़ के रखेंगे खुद के लिए, वर्तमान है भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि आपका भूत भविष्य आपको भगवत धाम ले जाएगा, वर्तमान आपको भगवत धाम ले जाएगा। इसलिए वर्तमान को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आपकी गति निश्चित होगी। लेकिन हम दुर्भाग्यवश क्या करें, इस वर्तमान को किस में लगा रहे, मोह में। भय हो गया, शोक हो गया, बच गए क्या, मोह। ये शरीर हो और शरीर की जरूरतें सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए नींद आती है। शरीर को प्राधान्य देते हैं, आत्मा को प्राधान्य नहीं देते हैं तो हमें नींद आती है। जप में, भागवत में क्लास की नींद क्यों आती है, क्योंकि शरीर को बहुत हमने ज्यादा प्राधान्य दिया है। इस कारण जब नहीं चाहिए तभी नींद आती है। कभी सुना है इस्कॉन में प्रभु जी खाते खाते, प्रसाद खाते खाते प्लेट में गिर गए, सुना है कभी? खाते समय नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि इतना प्रेम करते खाने से। उसी प्रकार भगवान से प्रेम करेंगे तो श्रवण कीर्तन में नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी, कई जन्मों की नींद उड़ जाएगी आपकी। सुन करके भगवान कितना प्रेम करते हैं, जो भगवान मेरे लिए विष्ठा में कीड़ा बनने के बाद भी साथ देने के लिए आ रहे, तो और कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, शुभ चिंतक नहीं। ये जब सुनेंगे भगवान की भक्तवत्सलता तो सारे जन्म की नींद उड़ जाएगी, कई जीवन की नींद उड़ जाएगी आपकी। क्योंकि पिछले बार हमने बताया था नींद कभी नहीं आती जब रोग लगता है। कौन सा रोग, प्रेम रोग, है कि नहीं? भौतिक जगत में देखते कि नहीं, हीरो हीरोइन क्यों नहीं सोते, कभी देखा है सोते हुए उनको? नहीं। या भौतिक जगत में भी देखते हैं, प्रियकर प्रियसी कभी सोते हैं क्या? नहीं। रोग लगने के बाद सोना भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं। अभी हम आराम से खा रहे हैं, सो रहे, इसका मतलब है अभी तक रोग लगा नहीं है। रोग कभी लगेगा, जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए वर्तमान को पकड़ के मत रखो, भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि वर्तमान ही आपका है, जो भगवान की सेवा में लगाकर आप भगवत धाम। इसको जितना पकड़ के रखने का प्रयास करोगे शरीर की सेवा के लिए, उतना वो जल्दी फिसल जाएगा। जैसे हाथ में रेती पकड़ते कसकर, क्या होती है असर, जितना कसकर पकड़ते उतना जल्दी फिसल जाते है। ऐसे वर्तमान भी फिसलता जा रहा है मोह में, मैं ये शरीर हूं, शरीर की जरूरतें महत्वपूर्ण है, भागवतम इतना महत्वपूर्ण नहीं, चैंटिंग इतना महत्वपूर्ण नहीं, बाद में भी कर सकते हैं, समय फिसलता जा रहा है। समझ गए, क्योंकि शरीर के लिए पकड़ के रखा है वर्तमान, वर्तमान होता है भगवान की सेवा के लिए। बी प्रेजेंट, बी नाउ, नाउ का मतलब है नो अदर वे, NOW। इसलिए वर्तमान को लगाओ तो आप कृष्ण भावना को आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में भगवान को आनंद देने का प्रयास करोगे तो आपके जीवन में आनंद की गंगा बहेगी, सुख की गंगा बहेगी। वर्तमान भगवान को दे दो, क्योंकि आपके हाथ में ना भविष्य है ना भूत है, जो हाथ में है अपने पास है
उसको लगाओ। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। समझ गए? इसलिए हमारे जीवन से भय भाग जाएगा। भज हो रे मन श्री नंदनंदन अभय जन। इसलिए प्रभुपाद कहते जब ध्यान पूर्वक सुनोगे तो क्या होगा, वेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देर इज नो फियर। जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे कथा भगवान का नाम, वेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर। श्रवण परमात्मा को फाइन ट्यून करता है। परमात्मा रेडियो टीवी के समान है, तुरंत स्टेशन नहीं पकड़ता परमात्मा स्टेशन। जितना ध्यान पूर्वक सुनोगे उतने जल्दी परमात्मा जागृत होगा, आपको गाइड करना शुरू करेगा। अभी सोया हुआ है परमात्मा, क्योंकि हम कथा में सो रहे तो परमात्मा को सुला रहे, लोरी सुना रहे इसलिए परमात्मा साथ नहीं दे रहे। परमात्मा साथ कभी देगा? जब ध्यान पूर्वक सुनोगे तो उसका ध्यान भी आकर्षित होगा। तेषानु यवानु कंपार्तम, परमात्मा जाग कर हमारे हृदय में कौन सा दिया लगाएंगे? ज्ञान दीपे न भास्वता, और बताएंगे बेटा देख तेरा हृदय तेरा दिल कितना बड़ा कचरा का कुंडा दान बना रख कर गए, सारे जगत का कचरा समाया इसमें, और इसकी साफ करने की औकात आपकी नहीं। मुझे आज्ञा दो, पावर ऑफ अटर्नी दो, मैं हाथ में झाड़ू लेकर आपके लिए साफ कर सकता हूं। इसलिए परमात्मा को जागृत करना है तो श्रवण कीर्तन फाइन ट्यून। तो अगली बार जब आएंगे इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये सेमिनार है, इस सेमिनार का नाम है चेंज ऑफ हार्ट। ये 4 दिन का कार्यक्रम है, भविष्य में इसको हम जब जब आएंगे आगे बढ़ाएंगे। श्रवण का महत्व, श्रवण के फायदे, 7 स्तर पे श्रवण किस प्रकार कार्य करता है, 8 प्रकार के श्रोता क्या है, और इतना श्रवण करने के बाद भी हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि कान में कुछ प्रवेश नहीं कर रहे। जैसे उल्टे घड़े पर पानी जीवन भर डालते रहेंगे क्या होगा, एक बूंद भी अंदर जाएगी नहीं। ऐसे उल्टे घड़े पर पानी डालने के समान है, एक बूंद भी अंदर नहीं जा रही। इस कान का मतलब गलत अर्थ निकाले, इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान इस कान का स्पेलिंग क्या है, ISKCON, मतलब क्या है, कितना सोच समझ कर प्रभुपाद ने दिया है, कितना गहरा मतलब है। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन, क्या अर्थ है इस कौन का मतलब, इज IS इज प्रश्न करेगी नहीं, इज किसी का मतलब है, क्या मैं ध्यान पूर्वक सुन लगे, क्या मेरी कृष्ण भावना बढ़ रही कि नहीं, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टेकिंग प्लेस और नॉट, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन प्रश्न करना है। कथा में जप में बैठते तो प्रश्न नहीं करना है, मोबाइल ऑन है कि नहीं, टीवी ऑन है कि नहीं, कथा में जप में बैठते तो क्या प्रश्न करना है, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन, क्या मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं कि नहीं, क्या मेरी भक्ति बढ़ रही कि नहीं, क्या मुझे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, ये प्रश्न करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इस्कॉन, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तवृंद की। यस प्रभु। प्रश्न, प्रयास करेंगे हम, इतने बड़े स्पॉन्टेनियस होती है हमारे क्लासेस। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत रिलिश किया आपका। इस सेमिनार का नाम है बुनियाद, क्या नाम है, बुनियाद, जो सबसे फेमस सीरियल था, 7 साल चला बुनियाद, उसको लेकर हमने इसको नाम दिया बुनियाद, फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो फ्यूचर इसमें यस प्रभु। तो मैं प्रश्न ये था बोले कि हम सुनते भी हैं समझते भी हैं कि कैसे अटेंशन कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं भी ये सोच रहा था कि हम क्यों अटेंटिव नहीं रह पाते, क्या उसके कारण हो सकते हैं। तो उसमें मुझे जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महत कहते हैं कि इन अटेंशन के 3 कारण वो बताते हैं, ऑटो मैनी रीजन्स, और जैसे विक्षेप और प्रमाद। हाँ जी, प्रमाद। हाँ, तो जो 3 कारण बताते हैं
जाड़या विक्षेप प्रमाद, इसके ऊपर थोड़ा सा बता सकते हैं क्यों हम कैसे इन अटेंटिव कोशिश करते हैं अटेंटिव होने की, लेकिन हाँ, क्यों नहीं रह पाते? ध्यान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है. अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल इज अ साइन ऑफ लव. बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है. तो ध्यान नहीं होता, इसका कारण क्या है? हम उस व्यक्ति से, उस चीज से प्रेम नहीं करते. जैसे मैं मंदिर में आया हूँ, मेरी चप्पल बाहर है, तो आप आते समय देखते हैं प्रभु जी चप्पल छोड़ कर जा रहे हैं, और आप पीछे से आ रहे गाड़ी से उतर कर, तो क्या देखते हैं? कुत्ता आकर उसको काट रहा है. आपका प्रेम है मेरे प्रति तो कुत्ते को भगाएंगे, प्रेम नहीं तो सोचेंगे कुत्ता एक ही चप्पल क्यों खा रहा है, दूसरा क्यों नहीं खा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव. तो भौतिक जगत में हर एक कार्य, भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसके पीछे तीन क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं, मोटिवेशंस. बिहाइंड एवरी एक्टिविटी देर आर फोर मोटिवेशंस, वेदर स्पिरिचुअल और मटेरियल. तो चार मोटिवेशन क्या है? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ लव. सबसे ऊंची प्रेम सगाई. तो पहले तीन स्तर पर अभी अटक गए हैं. माला शुरू की, मंदिर में आना शुरू किया, क्यों? भय से, क्योंकि भक्तों ने प्रचार किया मंदिर नहीं आओगे, माला नहीं करोगे, नरक में जाओगे. भय से माला शुरू की, आउट ऑफ फियर. सेकेंड स्टेज आउट ऑफ डिजायर. यहाँ आने के बाद बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन है, पासपोर्ट वीजा नौकरी छोकरी सब काम हो रहे है कि नहीं? पनीर सब्जी, पनीर तीखा, पनीर मीठा, हाँ अच्छी सब्जी मिल रही है, अच्छी यात्रा हो रही है, इच्छा उत्पन्न होती है, ये लोगों का संग करना अच्छा है. स्वार्थ परमार्थ दोनों हो रहा है, इच्छा उत्पन्न होती है, डिजायर, ये भी अच्छा है. उससे बड़ा क्या है? कर्तव्य बुद्धि, आउट ऑफ ड्यूटी. अभी 5-10 साल के बाद दीक्षा मिल गई, अभी गुरु को स्वीकार किया, कर्तव्य बन गया, गुरु को वचन दिया है, तो कर्तव्य बुद्धि जागृत हो गई, गुरु के प्रति कर्तव्य समझ कर हम माला करें. लेकिन सबसे ऊंचा क्या है? भगवान के प्रेम के लिए, संतुष्टि के लिए. प्रभुपाद क्या कहते हैं? जब किस लिए करना चाहिए? राधा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए. लेकिन हमारे दिमाग में कीड़ा घुस गया है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है. ये कीड़ा बाहर निकलना है आज. किसने बताया आपके मजे के लिए? ये उनके मजे के लिए. जितना उनका आनंद देने का प्रयास करोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि हम अंश है, अंश का अलग से आनंद नहीं हो सकता. अंश को तभी आनंद मिलेगा जब पूर्ण को आनंद देने का प्रयास करेगा. ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकालना है, कीड़ा बाहर निकालना है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे जप में आनंद नहीं आ रहा है, मुझे मंदिर में आने के लिए इच्छा नहीं हो रही. किसने कहा आपकी इच्छा के लिए? उनकी इच्छा के लिए करना है, उनके आनंद के लिए करना है. जो भी कार्य है उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको आनंद देने में आपको बिना मांगे आनंद मिलेगा, जैसे सुदामा को मिला, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी. आपका हक है, अगर भगवान को आनंद दे रहे तो आपका हक है, आत्मा के नाते बिना मांगे आपको मिलेगा. ये भगवान का वचन है. लेकिन जितना हम मैं मेरा परिवार इसके लिए प्रयास करते उतना दुख बढ़ता जाएगा. हमें बड़ा पिक्चर देखना चाहिए, भगवान का परिवार, वासुदेव कुटुंबक. भगवान को कैसे आनंद दे, भक्तों को कैसे आनंद दे, देने में हमें मिलेगा. दैट इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, इन गिविंग यू गेट. हमें गंदी आदत है सिर्फ इकट्ठा करने की, मैं मेरा, क्योंकि हमें आज तक सिर्फ लेना बैंक मालूम है, देना बैंक मालूम नहीं. अभी देना बैंक खोलनी होगी. देने से हमें मिलेगा, भगवान को देने से अंश के नाते जरूर मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं आपको. ठीक है, तो अगली बार चर्चा करेंगे नींद क्यों आती है. क्योंकि पिक्चर के गाने होते मुझे नींद ना आए, नींद ना आए, हीरो भागता होता है कि हीरो के पीछे. लेकिन आध्यात्मिक जगत में उल्टा है, भक्त भगवान के पीछे भागते हैं, मुझे नींद क्यों आए, मुझे नींद क्यों आए. ये अगला समय का विषय होगा, हमें नींद क्यों आती है. बहुत साइंटिफिक बताया भक्तिविनोद ठाकुर ने, ये तीन कारणों में, जड़ लय विक्षेप. ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद. आयस प्रभु माइक.
वो टेक्निकल मत पूछना, मैं टेक्निकल मैं नहीं हूँ मेरा कट पेस्ट होता है सब, जो भी सुना है उच्चिष्ट लेकर आता हूँ मैं। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद, पहले तो बहुत ही शिक्षाप्रद और रोमांचक प्रवचन के लिए खासतौर पे आपके प्रवचन से शब्दों का असली मीनिंग पता लगता है, वैसे तो हमें पता ही नहीं शब्दों का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है तो प्रश्न ये है कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग जब घड़ी 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 देखते हैं तो वो प्रोसेस कार्य बन जाता है, बट इस्कॉन में तो हर चीज़ घड़ी के हिसाब से ही चलता है। मतलब आपकी सुबह मंगला आरती होती है तो उसको इसे टाइम पे फिनिश करनी है, उसके बाद प्रवचन आपका जो जो जप है उसको पता है 7:30 बजे तक उसको फिनिश करना है, नहीं तो दिन भर होगा नहीं। तो ये फिनिश करना है, ये बात भी निकाल देना है कि पुतना की भावना है फिनिश करना, जप को खत्म किया पुतना खत्म करने के लिए तो मतलब बस सारा कुछ सिस्टम, फिर भक्तों की सेवाएं होती हैं उनको पता है, फिर प्रसाद पता है, प्रसाद नहीं मिलेगा अगर 10 बजे हर जो कार्य कर रहे हैं उसको आंतरिक समाधान मिलना चाहिए। वी हैव कम फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल, तो उस सेटिस्फेक्शन को समय में बांध नहीं सकते, समझ गए? इसलिए सबके साथ करना है लेकिन अलग से भी करना है सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए, हमें अलग से प्रयास करना है। अगर 16 माला नहीं हुई तो हमें उसको 2 घंटे में क्या नहीं करना है, कॉम्प्रेस नहीं करना है। जब का उद्देश्य है आपको और जब करने की इच्छा उत्पन्न हो, 16 इज मिनिमम नॉट मैक्सिमम, तो हम क्या करते हैं उसको कॉम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या होता है, माला में फिर बहुत तकलीफ होती है। सुबह आधा घंटा पहले उठो, 1-4 माला करो तो 4 माला का बोझ कम होगा, आपको उत्साह आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी 12 माला मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ, भगाने की जरूरत नहीं। जब किस लिए होता है, हरे कृष्णा के लिए, हम क्या करते हैं खींचो हरे कृष्णा, खींचते होते हैं माला को। हमारा ध्यान अंदर की माला में नहीं होता है, बाहर की माला पे ज्यादा होता है, समझ गए? बाहर की माला क्या होती है, काउंटर बीट, अंदर की बीट पे कभी ध्यान नहीं देते हूँ क्योंकि 16 बोलते हैं पेट में गोला आता है कि नहीं, 16 शब्द है, 16 माला करनी है, और भक्तों के संग में 16 माला नहीं करते तो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 18 घंटे। तो 2 घंटे में होना चाहिए, उसको 16 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, 16 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, 16 शब्द बोलने हैं, 16 माला करने हैं, इसलिए 16 बोलते ही पेट में गोला आता है। तो डोंट ट्राई टू बाइंड कृष्णा, यू आर नॉट यशोदा माई, भगवान को समय को बांध नहीं सकते आप। भगवान के कार्य में जब होते हैं तो हमें ये संस्था इसलिए ये टाइम को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत आपको तन मन धन लगाकर इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करना होगा, तब ये संस्था में जो कर रहे वो चलता रहेगा। अगर इनर सेटिस्फेक्शन नहीं आपको घड़ी के हिसाब से चल रहे तो मुश्किल होगा, इसलिए वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इनर सेटिस्फेक्शन, जो भी कर रहे उसमें समाधान मिलना चाहिए। और गड़बड़ी में करेंगे, घड़ी घड़ी देख कर करेंगे तो उसमें समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्यान आपका पूरा घड़ी पे होगा। इसलिए बाकी जो बचा हुआ जप है ध्यान पूर्वक करो, समय देख करो, भले 2 मिनट ज़्यादा लगे, हाँ पूरी शक्ति लगाकर, पुट योर हार्ट एंड सोल, क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति लगाई है, हमारी जिम्मेदारी है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तो हमारी जिम्मेदारी है हम पूरी शक्ति लगाए। क्योंकि संस्था में क्या है, बाकी लोगों को साथ लेके चलना होता है, उसमें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पे हमें नरिशमेंट मिलनी चाहिए, समझ गए? ठीक है, हरे कृष्ण। यस माता जी, श्रवण के बारे में कि भगवान जो कृष्ण है वो अर्जुन को सुनते हैं, पहले सुनते हैं बहुत सुनते हैं, जब वो निकाल देते हैं सारा अर्जुन अपनी बात बता देते हैं, उसके बाद जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था वो मैं एक बार दोबारा पूछूं, बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वो संस्कृत वर्ड था श्रवण, श्रवण नहीं था, अर्जुन को नष्ट मोह, नष्ट
नष्ट मोह, श्लोक है नष्ट मोह स्मृति लब्ध। अर्जुन स्वीकार करते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं खुद को शरीर मान रहा था लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं खुद को क्या समझ रहा था, पोता समझ रहा था, पितामह का, भीष्म का, मैं खुद को शिष्य समझ रहा था द्रोणाचार्य का, ये मेरा मोह नष्ट हो गया, वास्तविक मेरा रिश्ता आपसे है, आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो हम भगवान को स्वीकार करेंगे और भगवान जो भी करे उसको पालन करने के लिए तैयार होंगे, ये बताने का उद्देश्य था, हमारा मोह नष्ट होना चाहिए। उसके बाद भी आपने एक करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव, जो आप कहोगे करने के लिए तैयार हूँ, करिष्ये वचनं तव, ठीक है। हरे कृष्ण, यस प्रभु, माइक। इस्कॉन, ओके, बहुत बढ़िया, इस्कॉन हो गया, ऑफ नहीं है, भगवान से इस्कॉन हो गया, बरोबर, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपकी विचार है, इस्कॉन, यस प्रो, माइक माइक, किसके पास है माइक, इस्कॉन हो गया, हाँ, थैंक यू ब्रोजी, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। मैं जैसे आपने बताया कि सारी इनऑस्पिश मिसफॉर्चून स्प्रिंग होता है इन अटेंशन से, और अटेंशन इज द साइन ऑफ लव, बताया था। तो मैंने एक और लेक्चर में भी सुना था कि ध्यान लगाना इज इक्विवेलेंट टू तपस्या, मतलब एक चीज पर मन को केंद्र करना, बराबर है। कलयुग में मन को जो विषय वस्तु के पीछे भाग रहा है, माइंड इज ऑलवेज हॉरिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स, भगवान को भूलते ही जब से हम भौतिक जगत में आए मन विषय वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा, उस मन को विषय वस्तु से हटाकर भगवान में लगाना, इसको ध्यान कहा है। और कलयुग में ध्यान विग्रह पे नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम पर, क्योंकि भगवान नाम के रूप में आ रहे, कली काले नाम रूपे, तो उस भगवान के नाम पर ध्यान करने का मतलब है उच्चारण स्पष्ट और हरे शब्द सुनने का प्रयास, वो ध्यान है। तो जी हम ये भी देखते हैं कि जैसे और भी असुर लोगों ने तपस्या की है, जैसे हिरण्यकशिपु अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और मतलब उन्होंने भी बहुत ध्यान लगाया था और बहुत शक्ति, मतलब ध्यान लगाने से नेचुरल है, तपस्या करने से किसी को कुछ एसेट मिलता है, मटेरियल एसेट। तो मतलब हमारे और उनके ध्यान लगाने में क्या डिफरेंस होना चाहिए और कैसे वो आएगा? ओके, तो ध्यान उन्होंने लगाया था भगवान के संतुष्टि के लिए, खुद की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, आत्मेंद्रिय प्रति तारे धरे काम, कृष्णेंद्रिय प्रति तारे भरे प्रेम, ये फर्क है, समझ के, पहला फर्क। और हर एक जीवात्मा में ध्यान लगाने की ताकत है, हर एक जीवात्मा में, सबूत क्या है, आपके शरीर में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है तो पूरा ध्यान कहाँ होता है आपका, जब तक वो लकड़ी का टुकड़ा बाहर नहीं निकलता, खा नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे, जीना हराम हो जाएगा। तो पोटेंशियली सब में ये ताकत है ध्यान करने की, लेकिन हम गलत जगह ध्यान लगा रहे निगेटिव, वो पॉजिटिव लगाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, समझ गए एग्जांपल? इसमें भी प्रश्न था कि हम भगवान के नाम की ध्वनि को सुने और स्पष्ट उच्चारण करें तो मतलब इससे हमारी भावना अपने आप शुद्ध होगी या हमें कुछ और करके? नहीं, इससे अपने आप शुद्ध होगी। तो मतलब जैसे अब कोई असुर भी तो ये चीज कर सकता है, हा? मतलब भगवान के नाम की नहीं, इतना आसान नहीं भगवान पे ध्यान करना, क्योंकि मंदोदरी ने बोला था राम का नाम लो, उसने कहा मैं भी राम का नाम लेता हूँ, लेकिन राम मेरे लिए क्या है, रावण और मंदोदरी, रावण का पहला रा और आपका नाम मंदोदरी, वो नाम जप करता हूँ मैं असुर के मुख से बाहर नहीं निकलेगा,
सबूत क्या है, जब ट्रैफिक में हम खड़े होते बंबई में तो भिखारी आते हैं, उनको हम प्रसाद देने के लिए वो पैसे मांगते हैं, तो हम प्रसाद देते, कहते प्रसाद कभी दूंगा, जब हरे कृष्णा बोलेंगे, तो कहते नहीं चाहिए, भूखे मरेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे, इतना आसान नहीं है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, करोड़ों जन्मों के बाद उसके मुख से भगवान का नाम। सबूत क्या है, जैसे बम्बई में लोग आते हैं, सारे देश के लोग आते हैं लाइफ बनाने के लिए, और जो बम्बई में आता है कभी अपने घर लौटता नहीं, भले झोपड़पट्टी में सड़ेगा मरेगा लेकिन घर कभी नहीं जाएगा। क्यों? अहंकार को ठेस पहुंच दिए, गांव में बोल के आया हूं घर वालों को, गांव वालों को, बम्बई में लाइफ बनाने के लिए जा रहा हूं, अभी किस मुंह से वापस जाऊं, और वो हालत जीवात्मा की है, किस मुंह से भगवान का नाम लू, पिता का नाम लू, जिसके साथ झगड़ा करके आया हूं। इसलिए इतना आसान नहीं ये 16 शब्द बोलना, करोड़ों जन्मों का फल चाहिए उसके। तो जी, जैसे हम ये भी सुनते हैं कि एक ब्राह्मण था जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ ट्रैवल करते हुए हमेशा राम भगवान का नाम ले रहा था, तो बहुत सेवा की उन्होंने गोपाल भट्ट जी की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि भावना ठीक नहीं थी ना उसको। हाँ, भावना ठीक नहीं थी, बताने का उद्देश्य क्या है, भावना ठीक होनी चाहिए, भले आप ले रहे, जैसे आपके ऑल्टर में मशीन भी बोल रहा है लेकिन वो भगवत धाम नहीं जाएगा, तोता भी बोल रहा है वो भगवत धाम नहीं जाएगा, तोते के समान टेप रिकॉर्ड के समान नहीं बोलना है, उसमें भावना होनी चाहिए, कृष्ण भावना, भावना इंपॉर्टेंट है, किस भाव से आप पुकार रहे, क्योंकि हरे कृष्णा में हम कृष्ण नहीं पुकारे, कृष्णा पुकारे, किसको पुकारे, कृष्णा किसका नाम है, द्रौपदी का, तो किसको पुकारे, ये भावना निर्भर है। राम कौन से राम को पुकार रहे, बलराम को पुकार रहे, श्री राम को पुकार रहे, क्या राधिका रमन राम को पुकार रहे, उस पर निर्भर है उसकी गति, सब भावना का है, इसलिए कृष्ण भावना। यस प्रभु, नाम नहीं, भाव से लेने से काम करेगा, वो पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि हम बचपन से सुन रहे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भावना नहीं हमारी, वो भावना कभी जागृत होगी जब ध्यान दोगे, प्रेम से पुकारोगे, इसलिए नाम लेने में प्रेम होना चाहिए। इसलिए तीन कंडीशन बोली थी पिछली बार, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तीव्रता होनी चाहिए, उसके बाद सतत सातत्य, हर सांस के साथ भगवान का नाम, हर निवाले पे दो महामंत्र, क्योंकि डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर हमारा थोबड़ा देखना नहीं है, हमारे दवाखाने को विजिट नहीं करना है, दवाखाने का मतलब क्या है, दबा के खाना, दबा खाना, दबा खाना नहीं आना है, तो आपके मित्र डॉक्टर है तो क्या कहेंगे, जो मुंह में डाल रहे हैं उसको 32 बार चबाओ, है कि नहीं, अच्छा चबाओगे तो क्या होगा, अच्छा हजम होगा, पेट साफ होगा, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवा खाना जाने की जरूरत नहीं। तो उसके आगे जाकर आचार्य कहते हैं, जो भी मुंह में डाल रहे 32 बार चबाते हो तो भगवान की कृपा से दो मंत्र बोल सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो प्रैक्टिकल है भगवान का नाम लेना, खाना है तो हर निवाले पे दो मंत्र बोलो, जीने के लिए सांस लेना है सांस के साथ एक मंत्र बोलो, हर सांस के साथ, क्यों हर सांस के साथ, क्योंकि कौन सी सांस आखिरी होगी पता नहीं, हर कार्य में भगवान का नाम लो, क्यों, क्योंकि कौन सा कार्य आखिरी होगा पता नहीं, मां मानु स्मर युद्ध च, तो प्रैक्टिकल है, खाना है सांस लेना है काम करना है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ठीक है। मुझे शुरू शुरू में तो हम लोग भाव नहीं होता, मतलब शुरू शुरू में हम नाम सिर्फ वैसे कहने पे लेते हैं, तो लाइक तब चेतना शुद्ध हो रही होती है कि नहीं हो रही होती। प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू आर नॉट एंथुजियास्टिक एक्ट एंथुजियास्टिक, नाटक करो, क्योंकि साधना भक्ति है नाटक है, साधना भक्ति और रागानुभक्ति में फर्क क्या है, जैसे मुंह में आप पान डालते हो तो पान शुरुआत में क्या होता है, चुना होता है उसमें, है कि नहीं, चुना लाल कैसे होता है, ऐसे साधना भक्ति लाल बनेगी, रंग चढ़ेगा उस पर,
ये फर्क है साधना भक्ति और अगौन भक्ति। भले उसमें चुना डाला है सफेद, सफेद लाल कैसे बन गया? वैसे जब भक्ति का रंग चढ़ेगा, भाव का रंग चढ़ेगा, तो भाव नहीं है तो ऐसे भक्तों का संग करो जिनमें भाव है, वो बीमारी आपको लगेगी। आप में उत्साह नहीं तो ऐसे भक्तों का संग करो, दोज आर लाइक फायर बॉल ऑफ एंथुजियाज्म। आप ऐसे भक्तों का संग कर रहे जो कह रहे दिन भर रो रहे, 16 माला नहीं कर पा रहा हूं, 4 नियम का पालन है, वो बीमारी आपको लगेगी। यू बिकम व्हाट यू एसोसिएट। इसलिए वो दिव्य गुण चाहिए तो ऐसे भक्तों का संग। सात महत सेवया विपरा, भागवतम फर्स्ट कैंटो। दिव्य गुण मिलेंगे भक्ति के ऐसे दिव्य भक्तों का संग करने से। जो नहीं है उसको प्राप्त करना है तो ऐसे भक्तों का संग कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोलो खेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तन की, इताय गौर प्रेमानंद। जय।